ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, कई सारे मिथ्स को हम लोग इस वीडियो में तोड़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एआई हड़कंप मचा रहा है, हमें काफी सारी खबरें मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एआई से रिलेटेड है, और हो भी क्यों ना, ये चीज ही ऐसी है। सबसे बड़ा एग्जांपल चैट जीपीटी, ये हमारे फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन रखता है, हमारे कामों को आसान बनाता है, हमारा समय बचाता है, हमारे कोड्स वगैरह में एरर ढूंढ देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे लिए नए कोड्स भी जनरेट कर देता है। एआई के लिए कोई तैयार भी नहीं था। आप इसी से समझ लो कि गूगल को जल्दबाजी में बार्ड लॉन्च करना पड़ा, जो मे बी हाफ बेक्ड था। माइक्रोसॉफ्ट को चैट जीपीटी के ऊपर ही कोपायलट को लॉन्च करना पड़ा। तो आप समझ ही सकते हो कि एआई के लिए, मतलब स्पेशली चैट जीपीटी के लिए कोई तैयार नहीं था। काफी सारे लोगों को डर लगने लगा कि कहीं चैट जीपीटी हमारे जॉब्स को तो ना खा जाए, और लाजमी थी कि वो बहुत सारे काम को तुरंत में कर दे रहा था। आप जस्ट टाइप करो और वो काफी सारी चीजों को लिख करके दे देता था, और मार्केट में इतना हड़कंप मचा ही हुआ था, लोग काफी सारे डरे भी हुए थे। और इसी बीच में एक और आ गया, एक नया प्लेयर जिसका नाम है Debian.ai। अब ये खुद को जीपीटी नहीं बताता है, बल्कि ये कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब कि मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ और मैं पूरे प्रोजेक्ट को बना करके आपको दे दूंगा। तो ये तो और हड़कंप मचा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ही हटा रहा है। क्या वाकई में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को Debian.ai से डरना चाहिए, या फिर जो लोग नए में पढ़ रहे हैं या स्किल्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, या जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्या उनको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फील्ड को ही चेंज कर देना चाहिए? क्या इंजीनियरिंग का आज के डेट में कोई मूल्य नहीं? हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं अब जो आपको कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और कोरिलेट करने की कोशिश करना। क्या आपको सेल्फ ड्राइविंग कार याद है? जब इसका चर्चा वेरी इनिशियल डेज में हुआ करता था तो लोग क्या कहते थे, हमें सेल्फ ड्राइविंग कार, मतलब कि खुद से चलने वाले कार की जरूरत है, क्योंकि ड्राइवर्स रेकलेस कार ही चलाते हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होता है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार आएगा तो एक्सीडेंट कम जाएगा, हमें ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैनिक हुआ था वहां पे भी कि ड्राइवर्स चले जाएंगे, मतलब जॉब्स खत्म हो जाएगा। दशक गुजरने को है इस बात को, क्या ड्राइवर सच में चले गए? क्या उनके जॉब्स खत्म ही हो गए? आप अगर रोड पे चारों तरफ देखते हो तो क्या आपको एक भी ड्राइवर नहीं दिखता? 10 साल गुजर जाने या उससे भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी अभी तक सेल्फ ड्राइविंग कार फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ। टेस्ला गाड़ी लेकर के तो आया जिसमें सेल्फ ड्राइविंग फीचर भी था, बट अभी सॉफ्टवेयर उतना मच्योर नहीं है। कई दिग्गजों का कहना है कि इंडिया के शहरों में सेल्फ ड्राइविंग कार फीचर लाना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो क्या सेल्फ ड्राइविंग पूरा का पूरा फेलियर हो गया? बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर भी मच्योर नहीं हुआ है, बल्कि वो ड्राइवर को असिस्ट करने का काम कर रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कई सारे सेंसर आए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ADAS, या फिर आप होंडा सेंसिंग कह रहे हो। इन सभी कारों में जिसमें ADAS फीचर है, रडार सिस्टम वाला, अगर गाड़ी एक्सीडेंट करने पे आता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है, मतलब ब्रेक लगा देता है। तो इससे क्या हुआ, एक्सीडेंट तो रुका ना, तो ड्राइवर को असिस्टेंस मिल गया, बेनिफिट मिल गया। आपके ड्राइवर वाले जॉब को इसने खत्म नहीं किया, बल्कि आपको एक बेटर ड्राइवर बना रहा है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, जब कोई नई चीज आती है तो वो मच्योर होने में बहुत समय लगता है। सेल्फ ड्राइविंग कार आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट अभी भी उसमें समय है, और जब तक वो आएगा आप बेटर ड्राइवर रहोगे, और काफी लंबा समय है उस चीजों में, मतलब उस चीज को होने में। इसी को आप कोरिलेट कर लो इससे, जैसे चैट जीपीटी है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं खत्म करने जा रहा, बल्कि आपको असिस्ट करने जा रहा है फिलहाल इनिशियल डेज में। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा, आपके प्रोजेक्ट को खत्म करने में समय बचाएगा। तो ये काफी बेनिफिशियल होता है। कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो सब कुछ खत्म नहीं करती, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज को जन्म देती है, मतलब आपको और बेटर चीजों को करने का मौका मिलेगा। ये कोरिलेट कर पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सेल्फ ड्राइविंग कार वाले ही बात से कोरिलेट कर सकते हो।
और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत वैल्यूएबल ब्रांड है। आप इसे समझ लो कि इस साल उसने पूरे के पूरे कार्ड वाले प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। तो ये फेलियर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर मैच्योर नहीं हुआ है। तो सॉफ्टवेयर अभी मैच्योर होने में समय है और कई सारी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं और मे बी इन द फ्यूचर हम लोग एक मतलब बढ़िया प्रोडक्ट इससे देख सके। बट उससे जो कुछ भी निकल के आ रहा है वो एक ड्राइवर को असिस्ट कर रहा है। सेम वे में चैट जीपीटी अभी मैच्योर नहीं हुआ। कितना साल हुआ है? क्या उसे 5 साल भी हुए? बिल्कुल। तो अभी इस स्टेज में वो आपको असिस्ट करेगा, आपको एक बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा। अब Debian.ai की बात करूं, मैं उसे Debian नहीं कहूंगा, बहुत लोग उसे Debian नहीं कहते। वो एक्चुअली में है तो जीपीटी, बट खुद को जीपीटी नहीं बता। दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप मार्केट में कैसे अपने आप को फेमस करोगे? कुछ ऐसी बातों को कर दो आप कि सबको लगे कि भाई ये कुछ आ गया। तो उसने खुद को सॉफ्टवेयर डेवलपर बता दिया, मतलब कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को कर देगा। बट ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मान लो कि कई बार ही ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आता है आपसे कुछ काम करवाना है। उसे क्लाइंट को खुद ही नहीं पता होता कि उसे फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए। मतलब एक्चुअली मैं बोलूं तो उसे सवाल ही नहीं मालूम। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है या फिर उसकी पूरी टीम होती है जिसका सबसे पहला काम होता है कि वो सवाल को फ्रेम कर सके, मतलब क्या चाहिए उसे, वो उसे बता सके कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आप ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन कह रहे हो, तो इससे वायबल प्रोडक्ट ये बन सकता है। तो जब सवाल ही नहीं होगा तो आपको Debian मदद कैसे करेगा या चैट जीपीटी मदद कैसे करेगा? तो पहला काम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर सवाल फ्रेम करता है, उसके बाद वो सोल्यूशन लेकर के आता है। तो इनिशियल डेज में मैं तो यही कहूंगा कि भैया आप टेक्नोलॉजी सीखें, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आप उसको सीखो, प्रॉपरली सीखो, और इन सभी टूल्स को, चाहे वो AI हो या GPT हो, जो कुछ भी है आपके पास, उसको यूज करना इन अ प्रॉपर वे सीखो, ताकि आप अपने काम को असिस्ट कर सको। अब इमेजिन करो एक ऐसा समय भी आ जाएगा जब एक इंडिविजुअल आदमी, ठीक, एक बड़ी बात होती है कि एक इंडिविजुअल आदमी, जैसे मान लो उसे गेम बनाना है तो एक स्टोरी सोचता है, ठीक है। अब एक आदमी हर काम नहीं कर सकता, वो स्टोरी सोच ले। गेम बनाने में कई सारी चीजों की जरूरत होती है, स्टोरी चाहिए आपको, मॉडल्स चाहिए आपको, उसके बाद आपको उसकी प्रोग्रामिंग चाहिए, उसकी टेस्टिंग करनी है, टेक्सचरिंग करना है, एनिमेट करना है, कई सारी चीजों को उसमें हमें डालना पड़ता है। पर अगर ये सारे टूल्स बहुत ही एडवांस हो जाए और हमारे मदद के लिए हमेशा तैयार रहे तो कितना मजेदार होगा। एक इंडिविजुअल आदमी स्टोरी सोचेगा और उसके लिए मॉडल्स, टेक्सचर्स वगैरह, मतलब उसे नहीं भी आता है तो ये सारे टूल्स उसे मदद करेंगे उन चीजों को क्रिएट करके अपने गेम में डालने का, और वो एक बढ़िया सा गेम बना पाएगा। तो एक इंडिविजुअल बंदे की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बोल लो या एबिलिटी बोल लो, ये इंप्रूव करेगी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक इंडिविजुअल आदमी भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएगा। तो जीपीटी को अपना राइवल अभी मत समझो, या फिर जो Debian आया है इसे ये मत समझो कि वो इंजीनियरिंग फील्ड को ही खत्म कर देगा। इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अभी के समय में अगर ये जो कुछ भी है, आपको एक आदमी चाहिए जो इन सब चीजों को मैनेज कर सके, एंड टू एंड प्रोडक्ट आपको दे सके, मतलब स्टार्ट से लेकर के फिनिश तक। ये सारे प्रोडक्ट आपको मदद कर देंगे उस एंड टू एंड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, बस इतनी सी बात है। हाँ, ये फन वाली चीज तो है ही, आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, चाहे वो Debian हो, चैट जीपीटी हो, और कई सारी चीजें अभी रिसेंट टाइम्स में आ ही रहा है। तो आप इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे मान लो कि कोई iOS के एप्स बनाना चाहता है, अब उसे पता ही नहीं भैया ये बनाना कैसे है, तो कम से कम चैट जीपीटी वगैरह आपको हेल्प तो करेगा कि भैया स्विफ्ट की जरूरत पड़ेगी या ऑब्जेक्टिव सी की जरूरत पड़ेगी, आपको यूजर इंटरफेस डेवलप करना है तो स्टोरी बोर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको स्विफ्ट UI की जरूरत पड़ेगी। आप उसमें से सोच सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे टेक्स्ट डालना, मुझे इमेज डालना, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि भैया स्विफ्ट UI में इमेज कैसे डालते हैं, एंड चैट जीपीटी आपको कोड देकर के बताएगा कि ये पर्टिकुलर वे है इमेज डालने का। बट वो आपको ये थोड़ा ना बता देगा कि ऐप ये बना लो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपको ऐप कैसा चाहिए, आपका इंटरेक्शन कैसा चाहिए, उसमें एनिमेशन कैसा चाहिए, कैसे एनिमेट करोगे चैट जीपीटी बता देगा, बट कैसा एनिमेशन आप देखना चाहते हो ये तो नहीं बता सकता। ये तो आप ही ना जानोगे कि आप अपने ऐप में कैसा एनिमेशन चाहते हो, कि बटन को टैप करें तो कोई चीजें चारों तरफ घूमने लगे, ये सब चैट जीपीटी नहीं करेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी मैं इस पूरे वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा
कि कुछ खत्म नहीं हो रहा, अभी आप पेशेंस रखो, अपनी चीजों को सीखो, ठीक है। न्यूबी जो होते हैं, मतलब जो नए स्किल्स को अक्वायर करना चाहते हैं, नए आए होते हैं, वो इस बात से डर जाते हैं कि वो सोशल मीडिया से कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड होते हैं, तो कुछ भी उनके इर्द गिर्द अगर होता है तो पैनिक मोड में इसलिए चले जाएंगे क्योंकि वो लगातार ये सब चीजों को सुनते हैं और उनको लगता है यार इसका क्या बेनिफिट होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मान लो आप पहली बार कुछ चीज सीख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे, तो आपको लगता है कि चैट जीपीटी तुरंत में कर दे रहा तो मेरा जॉब ही क्या है, ठीक। तो ऐसा मत सोचो, अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। ये जो कुछ भी है ये आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा, तो पैनिक नहीं करो। अपने रेस्पेक्टिव जो भी ब्रांच है आप अपने इंजीनियरिंग में करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी टूल्स वगैरह सीखना आप उसको सीखो, उसके ऊपर काम करो और इन प्रोडक्ट को कंप्लीट करने का, मतलब एक प्रोडक्ट पूरा करने का कोशिश रखो। अभी काफी समय है इन सारे सॉफ्टवेयर को मैच्योर होने में। ये जो LLM है इसमें काफी सारे प्रॉब्लम है और ये सब कुछ कंप्लीट तभी होगा जब तक कि AI में एक मैसिव ब्रेक थ्रू ना हो जाए। उसमें अभी समय है, LLM से कुछ भयानक चीज नहीं होने जा रहा, मतलब काफी कैपेबल है और बहुत सारी चीजों को कर लेता है, और जब तक AI में मैसिव ब्रेक थ्रू नहीं आएगा कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपके जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा होगा तो एकदम इनिशियल लेवल वाले जॉब्स वो चले जाएंगे, और वो भी जाएंगे इस वजह से क्योंकि आप, मतलब जो कोई भी उस जॉब में था वो इतना स्किल्ड नहीं था कि वो टाइम पर करके दे रहा हो। जैसे मान लो कि आपके ऊपर वाला जो भी सीनियर बंदा है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उस काम को 2 घंटे में करके दो, ठीक है, एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है कोई काम को। अब वो काम को आप 3 दिन 4 दिन लगा रहे हो, तो पहले के जमाने में तो मजबूरी थी कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप 2 घंटे का काम 10 दिन में कर रहे हो या 12 दिन में कर रहे हो, बट जब ये टूल्स आ गए हैं तो आपको ढूंढना कोई नहीं रह जाएगा, बस वो जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे जहां पे लोग जाकर के खाली टाइम पास करके आ जाते थे कि भैया 2 घंटे का काम 10 दिन में कर रहे हैं, हम तो अपना अटेंडेंस पूरा कर रहे हैं ना, मंथ के एंड पे उनको पैसे चाहिए, तो वहां दिक्कत है। वो जॉब्स अभी फिलहाल रिस्क पे है, वो चले जाएंगे। तो आप अपने आपको स्किल अप करो, इंटरेस्ट लो इन सारी चीजों में और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करो, अपने रिज्यूमे को अप करो, आपका जॉब सिक्योर रहेगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, होप सो ये वीडियो आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर करता हो और इंटरेस्टिंग रहा हो, मजेदार रहा हो और इन्फॉर्मेटिव भी रहा हो। थैंक यू।